करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज इस वर्कशीट में हम पिछले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ पहिया है, ठीक है। अब क्या लिखा है, साइकिल परीक्षण शिविर, यानी कि आपका जो कैंप होते हैं ना साइकिल सिखाने के लिए, जैसे कि आजकल ब्यूटी पार्लर के और कंप्यूटर के और इंग्लिश स्पीकिंग के ये सारे कैंप लगते हैं ना अलग अलग, इसी तरह से उस जमाने में आपके साइकिल चलाने के कैंप लगाए जाते थे कि उसमें साइकिल चलाना सिखाया जाता था। देखना एक असाधारण अनुभव है। क्यों आज ये असाधारण सी बात क्यों लगी, कि क्यों, क्योंकि आज हर व्यक्ति को साइकिल चलाना आती है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा होती थी, ठीक है। अभी आपका एक जगह है किला कुरुची, वो गांव है, वहाँ पे साइकिल सीखने वाली सभी महिलाएं संडे को इकट्ठा होती थी साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था, ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाना सीखना इनके लिए आंदोलन था, क्योंकि उस ज़माने में इन लोगों को परमिशन नहीं थी, इसीलिए ये लोग उसके लिए जोश से भरे हुए थे पूरे, कि हमें किसी भी तरह से साइकिल चलानी है और अपनी बात मनवानी है। उन्हें इसे सीखना ही था, यानी वो ये चाहती थी कि हमें ये सीखना ही सीखना है, बस चाहे कुछ हो जाए, अब हम इसे सीख के रहेंगे। साइकिल ने उन्होंने पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, यानी कि उन्होंने साइकिल के ज़रिए, उन्हें ऐसा लगा कि जो हमारे पुरुष प्रधान समाज है उसके ज़रिए जो हमें हमारे पर बातें थोपी जा रही हैं, जो हमें दबा कुचला के रखा जा रहा है, उससे हमें आज़ादी मिलेगी, ठीक है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाते थे, यानी कि अब जो ये थे, अब जैसे देखिए आपका कोई भी आंदोलन होता है या कुछ भी होता है, तो उस तरह से अभी जैसे आपने देखा वो उसके लिए अनशन चल रहा था या इस तरह से, तो उसके लिए गाते हैं ना, गाने वगैरह बना दिए जाते हैं। तो जैसे अभी केजरीवाल की जब पार्टी होती है तो कहते हैं ना 5 साल केजरीवाल, इस तरह से गाने बजा लिए जाते हैं ना, तो इसी तरह से इन लोगों ने भी गाने बना लिए थे जो गाते थे। उन गानों में साइकिल चलाने की प्रोत्साहन दिया गया था, यानी कि अब उसमें क्या होता था, साइकिल चलाने को प्रोत्साहन किया गया था, यानी उसको मोटिवेट किया जाता था, ठीक है। इनमें से एक गीत जो है वो ये थी, एक गीत की पंक्ति का भाव है, आओ आओ बहना आओ सीखें साइकिल, घूमे समय का पहिया संग, ठीक है। यानी कि अब क्या मतलब है इसका, कि आओ बहना आओ सब लोग मिलकर साइकिल सीखते हैं और समय के जो पहिया है उसको घुमाते हैं, यानी जो अभी हम लोग पिछली ज़िंदगी जी रहे हैं, पुरुष समाज, जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें जो जी रहे हैं, उनके जो नीचे दबे हुए हैं, हम उसको तोड़ते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है, यानी कि जो साइकिल सीख चुकी हैं चलाना, वो महिलाएं जो नव सीखने वाली साइकिल महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद करती है, उनको सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखना सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि वे सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, यानी कि हम वो चाहते हैं कि सबको हम साइकिल चलाना सिखा दें। इसके बाद क्या हुआ, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, यानी 1992 में जब महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके बाद क्या हुआ कि ये बिल्कुल तरह से बदल गया। हैंडल पर झाड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पंडुकुटाई में तूफान ला दिया, यानी अब इतनी ढेर सारी महिलाएं साइकिल पर चल के वहाँ से निकली। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी हक्का बक्का हो गए, यानी परेशान हो गए, हैरान हो गए कि अरे ये क्या हो गया, इतनी ढेर सारी महिलाएं इतनी जल्दी साइकिल चलाना सीखे कैसे और इतनी सारी निकली कैसे एक साथ, इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। इसके पक्ष में आर साइकिलिस्ट के मालिक को तो रहने ही था, यानी कि अब क्या था, जो आर साइकिलिस्ट थे भाई उनकी तो साइकिल बिक रही थी, तो इसलिए वो तो उनके पक्ष में थे कि हाँ भाई महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए, भाई 1500 साइकिलें बिक गई कम बात है क्या। इस अकेले डीलर के ये डिजिट, यानी कि अब क्या था, क्योंकि ये डीलर था इसीलिए ये इनके पक्ष में था, तो क्या लिखते हैं देखिए, इस अकेले डीलर के यहाँ डिजिट साइकिल की बिक्री में भी साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। क्यों हुई थी, उसका मतलब रीज़न यही था कि पहले सिर्फ आदमी चला रहे थे, अब औरतें भी चलाने लगी थी, इसलिए उसकी बिक्री में भी वृद्धि आ गई थी।
अब देखिए यहाँ क्या लिखा है आगे, माना जा सकता है कि इस आंकड़ों को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो डिजिट साइकिल ली, जो आपकी डिजिटल होती है ना साइकिल, वही वाली जो साइकिल ली, का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसीलिए क्या हुआ कि जेंट्स साइकिल ख़रीद ली, जो आपकी मतलब जेंट्स वाली साइकिल होती हैं वो ख़रीद ली गई। दूसरी जो थी वो ये था कि डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री का विभाग का कहीं का कोई आमदी आदमी हूँ, यानी कि उसे ऐसा लगा, उसने ऐसा इसलिए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं वहाँ पे जानकारी लेने आया हूँ, इसके ख़िलाफ़ कोई मतलब कंप्लेन लगा दूँ, इसलिए उन्होंने जो आंकड़े थे वो कम दिखाए, वो मतलब डर गया, घबरा गया। उसके देखिए क्या लिखा है यहाँ पे आपका, कुदीम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थरों के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखाते देखा, यानी कि उन्होंने देखा कि ये साइकिल सिखलाती है, तो क्या हुआ उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी कि शहर से दूर है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानता है उसे गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी कि अगर यहाँ कोई जानता है तो उससे गतिशीलता बढ़ जाएगी। अभी आपको शब्दार्थ दिए गए हैं कि प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है सिखाने के लिए, कैंप आवेग का मतलब होता है जोश, है ना, और रोज़मर्रा का मतलब होता है प्रतिदिन हक्का बक्का होना, यानी चकित रहना, वृद्धिमान ज़्यादा। अब यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाई जाती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया गया, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वे महिलाएं क्या करती थी, इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वे अन्य महिलाओं की साइकिल चलाना सिखाती थी। तो इस तरह से ये भी आंसर कर लेंगे आप लोग कि जिनको साइकिल चलाना आती थी वो दूसरों को साइकिल चलाना सिखाने में मदद करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु साइकिलिस्ट के जो मालिक थे उसने इसका समर्थन क्यों किया, कल्पना कीजिए। अब बताइए कि सारे आदमियों ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ गए, लेकिन 8 साइकिल्स का जो मालिक था वो इसके हक में था, उसका रीजन क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि 8 साइकिल्स ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि इससे उसकी साइकिल्स बिक रही थी, है ना, यानी जब वो साइकिल चलाना शुरू करी महिलाओं ने तो उन्होंने किससे साइकिल खरीदी, इसी साइकिल वाले से ही खरीदी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, साइकिल की बिक्री को किन दो कारणों से कम करके आंका गया, पढ़कर बताइए। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, पहली बात तो ये है कि ढेर सारी ये मात्रा का थोड़ा सा वो उसका टाइपिंग मिस्टेक, आप इसे सही कर लेंगे, महिलाओं ने क्या करा था, लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी इसलिए उन्होंने जेंट्स साइकिल ही ख़रीद ली थी। ठीक है, यानी कि जब वो लेडीज़ साइकिल, उनको लग रहा था कि लेडीज़ साइकिल आने में टाइम लगेगा तो इसलिए उन्होंने जेंट्स साइकिल ही ख़रीद ली थी। और दूसरी बात ये थी कि जो डीलर था वो उसे कहीं ना कहीं शक हो गया था कि कहीं लेखक जो है वो कोई बिक्री विभाग का तो नहीं है कि मतलब वो उसके ऊपर टैक्स लगाने आया हो या छापा मारने आया हो, इसलिए वो डर गया था, तो इसलिए बात को छुपाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका है लास्ट क्वेश्चन जो है, ये आपकी गतिविधि दी गई है, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना करें वह बड़ों की सहायता लेकर लिखे कि मतलब अगर महिलाएं गांव की महिलाएं, देखिए शहर की महिलाएं तो कुछ भी करें आजकल कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन गांव की महिलाएं जो साइकिल चलाती हैं इसमें क्या परिवर्तन आ सकता है, आपको क्या महसूस होता है इसके लिए, तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि महिलाओं के द्वारा काम करने से पुरुषों के बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, जब महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर काम करेंगी तो परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, और ये सब कैसे होगा, साइकिल की वजह से संभव होगा, यानी जब वो साइकिल से कहीं आएंगी जाएंगी तो उनकी समय में बचत होगी, जब समय में बचत होगी तो वो पुरुषों के साथ और कामों में भी मदद कर पाएंगी। ठीक है, चलिए अगला कुछ, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।